नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष शर्मा। सरफराज खान, ये पूरे भारतीय क्रिकेट जगत में ये नाम छाया हुआ है जब से वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज का जो टीम स्क्वाड हुआ है घोषित हुआ है उसके बाद से लगातार सरफराज खान की बात हो रही है, क्योंकि सरफराज खान को वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए शामिल नहीं किया गया है और उसी के बाद से सरफराज खान खुद नाराज है, उनके फैंस नाराज है, कहीं दिग्गज नाराज है। और इसी के साथ अब जो बहुत सारी बातें सामने आ रही है, दरअसल बीसीसीआई के एक अधिकारी ने एक अखबार को कहा था, उनको इंटरव्यू में कहा था कि देखिए क्या सेलेक्टर्स पागल है जो 900 रन बनाने वाले बल्लेबाज को बाहर करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि सरफराज ने 900 से ज्यादा रन बनाए थे रणजी सीजन में। उन्होंने बताया कि देखिए, जो बीसीसीआई के अधिकारी है उन्होंने बताया कि इशू रन बनाना नहीं है, इशू जो है, दिक्कत जो है वो उनकी फिटनेस है और उनका डिसिप्लिन है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें करी कि देखिए उनकी फिटनेस अच्छी नहीं है, उनका डिसिप्लिन अच्छा नहीं रहता है। और जो सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो हो रही है जब सरफराज खान शतक बनाते हैं, एक मैच में शतक बनाते हैं, उसके बाद जो अग्रेसिवली जश्न मनाते हैं उसका, और कहा यह जाता है कि वो चेतन शर्मा जो उस समय के मुख्य चयनकर्ता थे उनको पॉइंट आउट उंगली दिखाते हुए जश्न मनाते हैं। लेकिन अब सरफराज खान के एक करीबी ने इन सारी बातों पे से पर्दा खोला है, पर्दा हटाया है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहली बात तो वो मैच दिल्ली में हुआ था और उस मैच में सलील अंकोला जो कि सेलेक्टर है वो वहाँ मौजूद थे, चेतन शर्मा तो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। और जो जिस तरीके का जश्न सरफराज ने बनाया था वहाँ पे, जिस तरीके का जश्न सरफराज ने किया था वो किसी सेलेक्टर के लिए नहीं था, वो टीम जो डगआउट है जो कि पेविलियन है वहाँ पे वो इशारा कर रहे थे। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि देखिए, क्या शतक का जश्न मनाना भी अब डिसिप्लिन के उसमें आएगा, क्या शतक मनाना भी गलत बात है। इसके अलावा उनके जो करीबी है उन्होंने एक बात और कही कि फिटनेस, देखिए क्योंकि बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा था कि फिटनेस इशू है, तो उन्होंने इस बात पर से भी पर्दा हटाया कि देखिए जो भारत में या बीसीसीआई का जो नियम है यो टेस्ट का, वो जो पॉइंट है वो 16.5 है और सरफराज खान कई बार ये यो टेस्ट पार कर चुके हैं। अगर सरफराज खान अगर फिट नहीं होते तो उन्होंने कई बार रणजी मैचेस में लगातार दो दिन बल्लेबाजी करी है और उसके बाद फील्डिंग भी की है। क्या एक अनफिट खिलाड़ी ये ऐसा कर सकता है? क्या वो लगातार दो दिन बल्लेबाजी कर सकता है? क्या वो लगातार दो दिन फील्डिंग कर सकता है? अगर सरफराज फिट नहीं होते तो शायद वो ऐसा नहीं कर पाते। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, उन्होंने कहा कि देखिए जश्न मनाने का एक अपना तरीका होता है। और जो आरोप, एक आरोप और लग रहा था सरफराज के ऊपर कि जो चंद्रकांत पंडित है उनके साथ भी उनकी बहस हुई थी, चंद्रकांत पंडित ने शिकायत की थी और वो उनके रवैये से खुश नहीं थे, तो सरफराज के करीबी ने इस बात पर भी अपनी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देखिए, सबसे पहली बात तो जो चंदू सर है वो सरफराज को अपना बेटा जैसा मानते हैं, वो उन्हें 14 साल की उम्र से जानते हैं और हमेशा से ही चंदू सर यानी कि चंद्रकांत पंडित ने सरफराज खान की तारीफ की है, हमेशा से ही उनको कॉम्प्लीमेंट दिया है और वो उनसे नाराज है, उन्होंने कभी भी ऐसा जताया नहीं और ये जो सारी बातें हैं वो झूठ है। तो अब बीसीसीआई के अधिकारी वर्सेस सरफराज के जो करीबी मित्र है वो सामने आ चुके हैं, इन दोनों के लिए आप क्या कहेंगे और इन दोनों में से आप किसे सही मानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।